नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा प्लस की ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चे, आज हम आपको बताएंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, इसे कैसे पहचाने और इसकी उपयोगिता क्या होती है। आए दिन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है या कौन सा शब्द जो है उपसर्ग के बिना बना है। तो उपसर्ग और प्रत्यय, पहली बात समझिएगा, ये उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं, ये क्या है, ये शब्द निर्माण की इकाई है। ये दोनों ही शब्द निर्माण की इकाई है। अगर आपने हिंदी ग्रामर पढ़ा होगा तो बताया गया होगा शब्द निर्माण की चार इकाइयां होती हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से शब्द का निर्माण होता है, जिसमें प्रायः रूढ़ शब्द जोड़ दिए जाते हैं या अन्य माध्यम से शब्दों का निर्माण हो जाता है। अब क्या है उपसर्ग, क्या प्रत्यय, यदि आपने इसे ढंग से समझ लिया और पढ़ लिया तो आपको दोबारा ये चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सर्वप्रथम इसका जो पहला भाग है वो देखते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग शब्द जो है ये दो के योग से बना है, उप और साथ में लगा है सर। तो उप का मतलब क्या होता है, उप का मतलब होता है समीप। जहां कहीं उप का प्रयोग होगा इसका मतलब भी होता है समीप, पास में। जैसे उपनगर, उप प्रधानाचार्य, उप राष्ट्रपति, उप मुख्यमंत्री, तो इसका मतलब समीप या पास होता है। और सर्ग का मतलब होता है सृजन करना या निर्माण करना, तो पास से निर्माण करना अर्थात किसी को जोड़ करके निर्माण करना। इस आधार पर अगर हम इसे परिभाषित करना चाहें तो कहा जाएगा कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं, वे शब्दांश। ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग का खुद का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि उपसर्ग कोई शब्द नहीं होता है। तो वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्दों का निर्माण करते हैं। अब देखिए क्या चीज यहां समझनी और सीखनी आपको थी, कि उपसर्ग तो है शब्दांश, जुड़ता है शब्द के साथ। किन शब्दों के साथ, विकारी शब्दों के साथ, या तो संज्ञा के साथ, या सर्वनाम, या विशेषण, या क्रिया के ही प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग हो सकता है, अन्य किसी में नहीं हो सकता है। तो शब्दांश है, नया कार्य करते हैं। अब देखते हैं कि उपसर्ग का जो अपना काम है वो देख लीजिएगा, उपसर्ग के कार्य। उपसर्ग के क्या होते हैं, उपसर्ग के कार्य कितने हैं, तीन। उपसर्ग तीन काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं। उपसर्ग तीन कार्य करता है। इसका पहला काम होता है शब्द के अर्थ में, शब्द के अर्थ में वृद्धि करना, यानी शब्द के अर्थ को बढ़ा देना। कोई भी शब्द होता है उसके अर्थ को बढ़ा देना। जैसे अगर यहां पर हमने ज्ञान लिखा है और ज्ञान से पहले वी उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका मतलब हो जाता विकसित ज्ञान, और भी ज्यादा ज्ञान। इसी प्रकार अगर कहीं शुद्ध लिखा है, शुद्ध से पहले वी लगा दिया जाए तो इसका मतलब होता और भी शुद्ध। अब यह है कि ध्यान दो, परीक्षा में आता है शुद्ध का विलोम क्या है, और पहले ऑप्शन होगा विशुद्ध। शुद्ध का विलोम विशुद्ध नहीं, अशुद्ध होता है। विशुद्ध का मतलब और भी ज्यादा शुद्ध या विकसित शुद्ध। जैसे कोई सुंदर शब्द है यानी सुंदर, तो मतलब सुंदर है। अगर इससे पहले उपसर्ग लगा दे अति,
तो इसका मतलब हो गया और भी ज्यादा सुंदर, अति सुंदर। तो उपसर्ग क्या करता है, शब्द के अर्थ में वृद्धि करता है। और दूसरा जो उपसर्ग का काम है, शब्द के अर्थ को विपरीत, विपरीत माने क्या था, विलोम करना, शब्द के अर्थ को विलोम करना। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, जो विलोम शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बने बनाए रूढ़ विलोम, जैसे रात का विलोम दिन। एक होता है निर्मित विलोम, जो उपसर्ग लगा करके, नकारात्मक उपसर्ग लगा करके शब्द बनता है, जैसे ज्ञान का हो गया अज्ञान। तो इस प्रकार विलोम दो प्रकार के होते हैं। क्या करता है, विलोम शब्द का निर्माण करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि शब्द कहीं लिखा है ज्ञान, और यहां उपसर्ग जो है आ, अब हो गया अज्ञान, यानी ज्ञान का विलोम हो गया अज्ञान। अगर शब्द यहां लिखा है डर, उपसर्ग लगा दिया नी, तो हो गया निडर, यानी शब्द के अर्थ को क्या कर देता है, विलोम कर देता है। अगर यहां लिखा है धर्म और आ जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अधर्म, जैसे अपयश, ऐसे शब्द का निर्माण हो जाएगा। और अगला ये काम जो महत्वपूर्ण काम करता है, वो करता है नए शब्दों का निर्माण करना, नए शब्दों का निर्माण करना, यानी उपसर्ग नए शब्द भी बनाता है। तो वो नए शब्द कौन से बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। नए शब्द जैसे कहीं लिखा है मांस, उपसर्ग जोड़ दिया आपने चौ, अब चौमास वर्ष के कुछ खास महीने होते हैं जिन्हें वर्षा ऋतु कहते हैं। चार महीने जो वर्ष के होते हैं वर्षा के नाम से होते हैं, इसलिए उन्हें चौमास भी कहा जाता है। जैसे अगर लिखा पाई, पाई मीन्स मात्रा होता है, और अगर लगा दिया ये चौ तो हो गया चौपाई। इसी प्रकार से जैसे मान लिया, अब यहां का एक चीज समझिएगा, इसका मतलब यही था, जैसे एक शब्द है हार, और हार शब्द में उपसर्ग जोड़ते जाइए, जैसे एक हो जाएगा आ तो क्या बन जाएगा आहार, फिर होगा प्र तो क्या बन जाएगा प्रहार, फिर हो जाएगा वी क्या हो जाएगा बिहार, फिर हो जाएगा सम क्या हो जाएगा संहार। तो शब्द तो हार था, आ प्र वी सम, ये शब्द जोड़ने से नए नए शब्दों का निर्माण हो गया। तो उपसर्ग क्या करता है, ये ध्यान रखिएगा, शब्द के अर्थ में वृद्धि करता है, शब्द के अर्थ को विपरीत करता है, और नए शब्दों का निर्माण भी करता है। बड़ी महत्वपूर्ण चीजों को समझने के लिए बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। उपसर्ग जो भेद होते हैं, उपसर्ग के भेद या जो प्रकार, कितने प्रकार के उपसर्ग होते हैं, उनकी भी संख्या तीन होती है। एक तो होते हैं उपसर्ग संस्कृत के, तत्सम शब्दावली, फिर होते हैं आपके हिंदी के, यानी तद्भव शब्दावली, फिर आपके होते हैं आगत, यानी विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा यही उपसर्ग पूछे जाते हैं संस्कृत के, और इनकी संख्या मानी गई है 22। ये भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत उपसर्गों की संख्या कितनी है, अन्य भाषा के यानी हिंदी के वागत के उपसर्गों की संख्या नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि अभी निश्चित नहीं है। अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से इनकी संख्याएं निश्चित की है। तो ये ध्यान रखिएगा, उपसर्ग क्या है, शब्द के प्रारंभ में लगता है, और कैसे पहचानेंगे, एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी शब्द के अंत में प्रत्यय तो एक ही लग सकता है, लेकिन उपसर्ग एक से ज्यादा लग सकते हैं। जैसे अगर यहां एक शब्द आ जाए पर्यावरण, अब पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, एक तो है पर, दूसरा है आ, अब वर्ण, ये वर्ण केवल एक शब्द है, इसमें दो उपसर्ग हैं। तो उपसर्ग एक भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, लेकिन प्रत्यय केवल एक ही लगता है किसी शब्द के अंत में। दूसरा ध्यान रखेंगे, जो उपसर्ग से शब्द बनते हैं, जब आप समास पढ़ते हो तो उपसर्ग से बने शब्दों में अधिकतम अव्ययी भाव समास पाया जाता है, यानी उपसर्ग से बने शब्दों में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है।
उपसर्ग के बाद हम चर्चा करते हैं। अब अगला प्रत्यय पर, काहे पे चर्चा करेंगे? प्रत्यय। प्रत्यय का भी अगर आपसे संधि विच्छेद कराया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस अय, यानी बाद में आए। प्रति माने दूसरा या बाद में होता है। जैसे फोटोकॉपी का जब प्रतिलिपि, मार्कशीट की फोटोकॉपी प्रतिलिपि, तो मार्कशीट तो पहली है, प्रतिलिपि क्या दूसरी कॉपी है, यानी बाद में आए। तो जो शब्द के अंत में लगता है उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रत्यय कहते हैं। इसको परिभाषित करते हैं, वे शब्दांश, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर उसके प्रायः क्या हो जाएगा? लिंग वचन में परिवर्तन करते हैं। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हो, क्या जोड़ सकते हो? उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ऐसा भी कह सकते हो। प्रायः इनसे लिंग वचन बदलता है और कई बार इनसे अर्थ भी बदल जाते हैं। अगर हम इसके भेद या प्रकार की बात करेंगे, इसके भेद या इसके प्रकार, तो इसके भेद दो ही होते हैं। दो भेद, वो कौन कौन से? एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है कृत प्रत्यय। अब मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जिससे आप कभी परीक्षा में नहीं भूलेंगे। इसमें इस प्रश्न आता है कि दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है या किस में कृत प्रत्यय लगा है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्यय जो है वो और उपसर्ग हमेशा विकारी शब्दों के साथ लगते हैं। अगर आपसे कहें विकारी शब्दों की संख्या कितनी है, तो विकारी शब्दों की संख्या चार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब इसे बहुत ध्यान से बच्चा समझिएगा कि संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेगा, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेगा उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाएगा, तद्धित। और इससे जैसे मान लिया एक ले लेते हैं शब्द, जैसे हमने लिखा इतिहास, इतिहास एक शब्द है और प्रत्यय कौन सा है? एक। कौन सा प्रत्यय इसमें लगा है? एक प्रत्यय लगा है और शब्द आपका बन जाएगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। दूसरा देखते हैं क्रिया के अंत में जो प्रत्यय जुड़ता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कोई भी शब्द यहां आप देख सकते हैं कि जो हमें क्रिया के अंत में जोड़ना है, जैसे मथ एक शब्द है, लास्ट में हमने लिख दिया आनी, तो शब्द क्या हो गया? शब्द हो गया आपका मथानी, मथ प्लस आनी, शब्द हो गया मथानी। अब यहां क्या तुम्हें सीखना है, ध्यान दो वो बेटा, ये जो शब्द है ये तद्धित प्रत्यय है, ये एक शब्द है, एक शब्द तद्धित प्रत्यय है और इसके योग से जो शब्द बना है उसे तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत। तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द को तद्धितांत शब्द कहते हैं। प्रत्यय है तद्धित, लेकिन जो शब्द पूरा बन गया वो तद्धितांत था। इसी प्रकार जो आनी शब्द है, ये आनी क्या है? कृत प्रत्यय है और इससे जो शब्द बना है ये शब्द क्या होगा? एक कृदंत शब्द होगा, कृदंत। तो कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द को कृदंत कहते हैं।
और तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि तद्धित का प्रयोग या तो संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ या विशेषण, जैसे इतिहास एक संज्ञा है, लेकिन क्रिया मथना एक क्रिया है, जिस शब्द के अंत में ना जोड़ा जा सकता है उसे क्रिया कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में ऐसा मानक है। तो कैसे आप प्रत्यय को समझेंगे इस चार्ट से आप समझ लीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा और आपकी बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार आज की क्लास को यही रोकते हैं, यही आपको बताना था प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में। आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखा करिए, इसलिए हिंदी के प्रत्येक लगभग टॉपिक्स पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीजें आपको देंगे जिससे आपकी जानकारी में वृद्धि हो। नमस्कार, जय हिंद।